तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव वन फ्री बिजनेस कंसल्टेशन बाय द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विजय जी, हजारों लाखों बिजनेसमैन की भीड़ में कुछ चुनिंदा लोगों को ये मौका मिलता है कि खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम उनके साथ बैठकर उनकी कंसल्टिंग करे, और ये मौका आपको मिला है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सतर्क भी करना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास में केवल 30 मिनट का समय, वी हैव ओनली 30 मिनट्स स्टार्टिंग नाउ। टू हेल्प यू बेटर आई विल हैव टू डीपली अंडरस्टैंड योर बिजनेस। तो इसके चलते मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, और आपको पूरे सच्चाई के साथ उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है, वरना मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद मी। बड़े सारे सवाल करूंगा, बहुत डीपली आपके बिजनेस को समझूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपके जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स जो आपने इस गूगल फॉर्म में हमको बताए हैं, उसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बताइए सर, तैयार हैं? है ना सर, बोलिए ना। सुपर। पारिजात एकेडमी, राइट? नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। एंड यू आर इनटू वैदिक मैथ्स, है ना? ये पारिजात, इस शब्द का क्या मतलब है? पारिजात एक फूल है और एक वृक्ष भी है। एक एक्चुअली पारिजात एक वृक्ष का नाम है, ओके, जो कृष्ण के दरबार में था। और पारिजात बहुत लोगों को एक मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन कुछ मेडिसिन्स बनाता है उसमें से, और बहुत लोगों को उसका जो खुशबू है वो बहुत पसंद आती है। क्या बात है की। और मेरा बेटा भी, उसका नाम भी पारिजात ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली बेटा होने से, एक्चुअली बेटा बाद में हुआ, लेकिन वो मैंने नाम पहले से ही रखा था, बाद में मैंने बेटे का नाम पारिजात रखा है। और पारिजात जो वृक्ष है उसका उसके लिए मतलब उसका एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसका सुवास जो है, मतलब वो फूल ना ऑटोमेटिकली गिरते हैं, इतने हल्के होते हैं, उसका नाजुकपन रहता है। क्या बात है। तो हम मैं सोच रहा हूँ कि ये पारिजात के फूल है, इट्स लाइक माय स्टूडेंट्स। अभी मिलते हैं, यू गेट दोस, आपने लगाया है अपने इंस्टीट्यूट? यस यस। एक्चुअली मेरे हमारे जो गुरु है उनका यहाँ पे मैंने 2 पेड़ लगवाया है। वाओ। तो मेरे घर पे मतलब है छोटा सा, लेकिन मेरे जो गुरु है उनके गुरु के लिए हमने वो कुछ पेड़ उनके दरवाजे पे उनको मतलब बहुत बढ़िया समाधि मंदिर है वहाँ पे, बहुत बढ़िया। सो आई एक्चुअली नाउ अंडरस्टैंड हाउ क्लोजली यू आर कनेक्टेड विद दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, और पारिजात इस शब्द का आपके ज़िंदगी में कितना महत्व है। सुपर। सर मुझे बताइए, पारिजात एकेडमी कब शुरू की थी आपने? मैंने वो 2010 में शुरू की थी। ओह, सो इट्स बीन 11 इयर्स, 11 साल हो गए हैं। तो आज आपके साथ और कौन कौन है इस बिजनेस में? मेरे साथ मेरे कुछ पार्टनर्स हैं। ओके। पार्टनर्स मीन्स दे आर एसोसिएट पार्टनर्स। मेरी डायरेक्टर है, वो पूना में रहती है। और उसके साथ कुछ हमारे मेरे साथ एम्प्लॉई है जो टेलीकॉलर और एचआर जो बोलेंगे हम, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक रहती है, क्योंकि तो 2 टेलीकॉलर्स हैं। एक है सिर्फ, एक टेलीकॉलर है, एक टेलीकॉलर है, और एक एडमिन है। एक एडमिन और टेलीकॉलर हमने एक ही रखा है। अच्छा, एडमिन और टेलीकॉलर एक ही है। ज़्यादा से ज़्यादा काम एडमिन का टेलीकॉलिंग का रहता है, क्योंकि एडमिन का काम वैसे ज़्यादा नहीं रहता। समझ गया। तो हमने थोड़ा सा वो मर्ज किया, क्योंकि अभी पैंडेमिक की वजह से एम्प्लॉय भी नहीं मिल रहे हैं। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं आपके पास? अभी एक ही एम्प्लॉय है। एक ही एम्प्लॉय? एक ही एम्प्लॉय। ओके। कब से हैं आपके पास ये एम्प्लॉय? करीबन अभी 1-2 साल से है। 2 इयर्स। ओके। उससे पहले मैं अकेले हैंडल करता था, क्योंकि 10 साल आपने अकेले हैंडल किया है। मेरी वाइफ थी, 8-9 साल मेरी वाइफ थी मेरे साथ। और मैं पहले जो प्रोप्राइटरशिप थी, तो उसमें भी क्या चला कि प्राइवेट क्लास कोचिंग क्लासेस जैसे चलाते हैं, जैसे अभी लोकल एडवर्टाइज किया, लोग पेरेंट्स एडमिशन लेते हैं, फी देते हैं। अभी तो प्राइवेट लिमिटेड करके मेरे को 2 साल हुआ। अच्छा। तो प्राइवेट लिमिटेड होके मेरे को 2 साल है, तो अभी तो प्राइवेट लिमिटेड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी खड़ा करना है, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा आई एम लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी। ओके। तो पहले प्रोप्राइटरशिप था, अभी आपने प्राइवेट लिमिटेड। पैंडेमिक की वजह से हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया, कि पहले मैं ऑफलाइन लेता था, स्कूल में जाके पढ़ाता था, स्कूल में जाके उनका प्रीमाइस यूज करके वहाँ पे हमारे 200-300 लड़के थे, तो बच्चे थे, उनको हम पढ़ाते थे, या कॉलेज में जाके हम पढ़ाते थे। या कोई हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ता था। लेकिन अभी वो पैंडेमिक की वजह से पूरा ये हो गया, पूरा बिजनेस मॉडल ही आपको चेंज करना पड़ा। मैंने गियर चेंज किया, मैंने सोचा कि अभी ऑनलाइन पे जाऊँ। बहुत बढ़िया। मैंने अभी मेरी ई लर्निंग का प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, मैंने स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर करवा लिया। मेरा जो पारिजात एकेडमी लोगो और नाम है, मैंने वो पैन इंडिया रजिस्टर्ड करवा लिया। वाह। अभी ट्रेडमार्क भी था, ट्रेडमार्क ये बहुत अच्छा किया आपने, रजिस्टर करवा लिया मैंने। मेरे कंटेंट भी सभी कॉपीराइटेड है। ओह इज इट? यस। सुपर्ब। मेरे खुद के वर्कबुक्स हैं, मैंने खुद बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो वो भी हम बच्चों को देते हैं, अभी सभी सॉफ्ट कॉपीज हैं। कितना खर्च हुआ सर ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आपका? ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि क्या स्टार्टअप इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इसलिए गवर्नमेंट बहुत कम देती है। अगर तो भी कितना अभी स्टार्टअप इंडिया के लिए मुझको 3000 रुपये खर्च आया। लोगों वहाँ पे आपका पैन इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ? नहीं, आप पहले स्टार्टअप इंडिया किया, उसके बाद में हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। ट्रेडमार्क के लिए हमने 3500 4,000 रुपये लिए, ट्रेडमार्क के लिए 4000 रुपये। वो पहले वो ट्रेडमार्किंग के लिए 2 साल के लगते हैं, केस मतलब फाइलिंग वगैरह, बाद में 1-2 साल के बाद रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अभी आप सोच रहे हो स्केल करने का? यस सर, टू ग्रो योर अकेडमी, राइट? यस। सो वुड यू बी रिक्वायरिंग गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ हायरिंग पीपल, द राइट टैलेंट? यस। Actually, I am looking for fundraising right now because raising people is not an issue because I have people with me, but I don't have money to give him as a salary. अच्छा। मेरा क्या है कि अभी मेरा मार्केटिंग में खर्चा उतना हो रहा है। पर आपने तो बोला एक ही एम्प्लॉई है आपके पास। एक ही एम्प्लॉई है, वो टेलीकॉलिंग के लिए है। तो उसका 8000 रुपीज पर मंथ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, अगर आपने फंड्स रेज कर लिए और स्केल करने की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप हायरिंग शुरू करेंगे? हाँ, अभी फंडिंग तो मेरे पास अगर फंडिंग ही नहीं है तो मैं एम्प्लॉय हायर करके, मतलब अभी क्या हो गया है कि पिछले 2 साल से मेरे खुद का ही मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्कीम है गवर्नमेंट फंडिंग सीट, क्योंकि यहाँ पे मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे मुद्रा लोन नहीं मिलता। ई लर्निंग अकेडमी के लिए मुद्रा लोन देते थे क्योंकि मेरी वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री नहीं। So my question to you, sir, is कि are you aware of any strategies to hire people and keep them with you without shelling excessive money in terms of their salary? Yeah, I have it. मेरा पूछने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं देते हुए कैसे आप राइट टैलेंट को हायर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वो आपके साथ बने रहें, आपके विजन से जुड़े, ना कि आपको केवल पैसे के लिए जुड़े आपसे। तो इसके बारे में कभी सोचा आपने? ज़्यादा नहीं, इतना सोचा। इतना मतलब इतना डिटेलिंग में नहीं, थोड़ा फार मतलब ये है मेरे पास कुछ लोग हैं, जैसे मैंने अभी क्या एसोसिएट पार्टनर किया और जैसे कोऑर्डिनेटर किया है। समझ गया। हमने क्या किया है कि जो भी एजुकेशन फील्ड में जो भी लोग हैं, जैसे कुछ प्राइवेट कोचिंग टीचर्स रहते हैं, सो उनसे हमने कुछ टाइप करवा लिए कि आपके पास अगर 500 लोग हैं स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारा वैदिक मैथ्स प्रमोट करो, आप उसमें से 20% ले। तो ऐसे कुछ प्राइवेट कोचिंग मतलब वो वही मुझे सिर्फ कॉल एडमिशन करके देते हैं, तो कॉलिंग वही करते हैं, मतलब वही तो क्लास में बैठते हैं लोग, उसमें मेरा एडवर्टाइज जाता है। ओके। हाँ, तो मुझे बताइए सर, इन दैट केस ये बहुत अच्छा मॉडल आपने अडॉप्ट किया है, एसोसिएट पार्टनर्स बनाने का, है ना? सुपर। तो अभी करंटली आपका टर्नओवर कितना है सर? अभी सर ज़्यादा नहीं है, अराउंड 40 लाख तक है। एनुअली? ओके। करीबन मैं कहूँ 3 लाख पर मंथ होगा। या ओके। और आपको क्या लगता है अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें, आपके साथ सही लोग जुड़े, तो ये 3 लाख पर मंथ को आप कहाँ लेके जा सकते हैं? ये मैं 100 करोड़ तो लेके जाऊँगा इनिशियली। मैं इनिशियली 1 करोड़ तक जा सकता हूँ मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ। सो वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ईयर एक्चुअली वी कैन से 5% ग्रोथ इज नॉर्मली वॉट एवर अभी टर्न हो रही है, से 5% ग्रोथ फर्स्ट ईयर में, 5 to 10% मिनिमम 5% ग्रोथ तो रहेगी। सो मीन्स अभी मेरा 40 लाख है तो कम से कम एक 60 लाख तक अगले महीने, अगले साल तक, एक साल में 20 लाख का और एक्स्ट्रा तो रहेगा। वो 50% ग्रोथ होगी सर, 5% नहीं, या सॉरी अगर आप 5% बोलेंगे तो सिर्फ 2 लाख होगा सर, और 10% 4 लाख होगा, which is going to be very small. करेक्ट। नहीं, वो नहीं, एक्चुअली 10-20 लाख एक्स्ट्रा तो मुझे मेरा रहेगा। So close to, if I say 25 to 50%। हाँ। that is the targeted growth you want in one financial year. Correct. है ना? Correct. तो आज जो 3 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये 3 लाख को आपको, मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब आपको 4.5 लाख तक लेके जाना है. करेक्ट. 1.5 लाख महीना. करेक्ट. ये जंप हमको लेनी है. करेक्ट. सुपर, बहुत बढ़िया सर. इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. क्या लगता है सर, ये 4.5 लाख तक पहुंचने के लिए, यानी जो 1.5 लाख की जंप है, आज की तारीख में क्या चीज़ आपको रोक रही है वो जंप लेने से? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे रोक रहा है. अच्छा. अब कभी कभी थोड़ा एज फैक्टर भी बीच में आ रहा है. ओके. अभी लग रहा है कि अभी आप थक जाते हैं सारी चीज़ें. कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है कि बटन आ जाता है, इतना विचार, ये विचार, वो विचार, थोड़ा सा मतलब अभी ये दिमाग मेरा कैच नहीं कर पाता सभी चीज़ें, क्योंकि अभी मेरा का मतलब सब मतलब मेरा ड्रीम भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ रही है तो थोड़ा सा दिमाग थक गया. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हो? वो ऐसे भी कर सकते, कुछ आ रही है, कुछ ले रहा हूँ. जैसे कुछ कभी कभी सच बताना, देखो मैंने पहले कहा था कि मेरे शब्द और मेरे सवाल थोड़े तीखे होंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लेना चाहते हो, वो इसीलिए क्योंकि आप चाहते हो कि सारा काम परफेक्शन से चले. एग्जैक्टली. करेक्ट. आपके थॉट के हिसाब से चले. है ना? करेक्ट. तो इसीलिए अगर आपको किसी वेंडर को भी फाइनलाइज करना है तो वो भी आप करोगे, सेल्स मार्केटिंग भी आप करोगे, बच्चों को पढ़ाने का काम भी आप करोगे, प्रोसेस डिजाइन का काम भी आप करोगे, लोगों को हायर करना है वो इंटरव्यू का काम भी आप करोगे. क्या ये हो रहा है? यही हो रहा है सर. एक्चुअली वही, क्योंकि क्या है कि अभी इतने साल मैं मार्केट में हूँ तो अभी मेरे लेवल का कोई बंदा मतलब अभी मिलेगा नहीं. पहली बात क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितने मतलब मैं बोलने के बाद जितना एक क्लाइंट कन्वर्ट होता है या स्टूडेंट कन्वर्ट होता है, जैसे मैं वो बात करता हूँ तो मैं डायरेक्ट जब बात करते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट बोलते हैं कि आई एम डायरेक्टली अप्रोच टू डायरेक्टर. नॉर्मली बाकी की जगह पे क्या होता है कि वो उनके कॉलर्स रहते हैं तो डायरेक्टर अप्रोच नहीं रहता. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं खुद ही डायरेक्ट, मेरा पर्सनल नंबर सेव करो, आप कभी भी आपका प्रॉब्लम है आप मुझे, कभी कोई समस्या आएगी, कोई टीचर्स के साथ से समस्या है तो आप मुझे कॉल करो. तो ये होता है कभी कभी. लेकिन ये आपको नहीं लगता कि आपको बड़ा ऑपरेशंस में फंसा के रख दिया है? ये हो रहा है एक्चुअली. दैट्स ट्रू. मैं थोड़ा सा ऑपरेशन में फंसा. ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क. मेरी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा जा रही है ऑपरेशन ओरिएंटेड में ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही खोली करता हूँ क्योंकि मैंने खूब सीखा. मैं टेक्नो सा भी हूँ तो मैं फाट 5-10 मिनट में करता हूँ. अगर बाहर अगर देना पड़ता तो मुझे 10-15 हज़ार देना पड़ता. तो मैं कैसे कि मुझको आता है तो मैं पैसे बचाने के लिए थोड़ा समय जो है आपका वहाँ पे जा रहा है. मैंने एक्चुअली पैसे बचाए भी नहीं, मतलब पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि वह सिर्फ सर्विस चार्जेस लेते हैं लेकिन लीड्स नहीं दे रहे. पैसे तो मैंने बहुत डाले, कम से कम 1-2 लाख रुपए लास्ट ईयर में मैंने डाले मार्केटिंग में. क्या बात कर रहे हो! लेकिन लीड्स बिल्कुल नहीं, मतलब वो सिर्फ ये 1-2 लाख आपने जो डाले, ये बहुत बड़ा नंबर आपने बताया सर मुझे, मैं इसको नोट कर रहा हूँ. ये जो 1 से 2 लाख रुपए आपने मार्केटिंग के लिए डाले, मुझे ये बताएं सर, ये आपने किसी एक्सटर्नल वेंडर को हायर किया? एक्सटर्नल वेंडर को हायर किया था. अच्छा. और मतलब कभी कभी वो वेंडर थे वो मुझे सही नहीं मिले. तो ये वेंडर हायर कैसे करना है, इसकी कोई ट्रेनिंग ली है आपने? ट्रेनिंग में हमारा एक कुछ कम्युनिटी है तो हम रेफरेंस से नहीं सर, मैं रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. और मैं बहुत ही, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि वेंडर्स को कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे उनकी स्क्रीनिंग करनी है, कैसे उनके सर्विस को एनालाइज करना है, क्वालिफाई करना है, आपकी क्वालिफिकेशन बेंचमार्क्स क्या होंगे, इसकी कोई ट्रेनिंग ली है आपने? ऐसी कुछ नहीं. क्या लगता है अगर आपने ये ट्रेनिंग ली होती तो यहाँ पे ये खर्चा बच सकता था, या बच भी नहीं तो सही दिशा में लग सकता था और उसका आपको रिजल्ट मिल सकता था? एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड है तो उनको रिजल्ट अच्छा आया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ. ये फ्रेंड आपके किसमें थे? वो मोटिवेशनल स्पीकर थे. ओके. है मोटिवेशनल स्पीकर है. अच्छा. तो उन्होंने बोला कि मुझे मैं सेमिनार है वो उनको उन्होंने वो सब ऑटोमेटेड करके वेबिनार वगैरह अरेंज करवा के दिया. कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं वो फ्रेंड? नहीं, वो ये सिर्फ स्पीकर है. वो स्पीकर में कंसल्टेंसी और ऐसे ही देते हो. अच्छा कंसल्टेंसी है उनका, मतलब उनके चार्जेस मतलब ये रहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट एक बिजनेस एक्सपेंशन प्लानिंग समझ गया मैं समझ पहले से वेबिनार अरेंज करवाते हैं, उसमें 500 400 500 लोग आते हैं वेबिनार में। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे। देखिए अगर आप अपने उस मित्र की बात करते हैं, वहाँ पे उसका डिजिटल मार्केटर सेल किसको कर रहा है? उसको कर रहा है, उसको कर रहा है ना, बराबर। आपका डिजिटल मार्केटर किसको सेल कर रहा है? आपको कर रहा है, आपकी कंपनी को कर रहा है या आपके प्रोडक्ट को कर रहा है। ये तीन चीजें हैं, पर्सन, कंपनी, प्रोडक्ट। You are Vijay Kulkarni, the person. Parijat Academy is the company and Vedic Maths is your product. Correct. Focus कहाँ पे है ये मैं जानना चाहता हूँ। Focus Vedic Maths पे है, product पे है, product पे है, वहाँ पे person पे था, person पे था। Correct. Difference है, difference है। तो absolutely, तो वो vendor कैसे justify कर पाएगा जो जिसका experience person को digital market करना है, ना कि product को। अब ये अब आपको डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, आप कहाँ पे चल रहे हैं हम? एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने जो दिया था वेंडर, तो उन्होंने ऑडियंस ही गलत चूज किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि उसी पॉइंट पे तो हम आ रहे हैं। दैट इज व्हाट अभी बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाती है, रेफरेंस। अरे उसके लिए काम किया मतलब मेरे लिए काम करेगा। हाँ मतलब फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया, मतलब उन्होंने अच्छे इंटेंशन से किया। और वो जो मार्केटिंग भी वो भी सीरियसली कर रहा है बंदा, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है लीड्स नहीं आ पाते। और अभी क्या हो रहा है कि मैं जब सीख रहा हूँ ना, मैं 1-2 हज़ार भी डालता हूँ तो मुझे 20-30-40 लीड मिलते हैं। दैट्स व्हाट, क्योंकि आप सीख रहे हो। क्या हम आ पा रहे हैं पॉइंट पे? ये 1-2 लाख खर्चा करने से पहले अगर आप सीखते ये बाहर वो क्या हुआ मैंने अभी फायदा होता नहीं होता? यस और नो? यस यस, 100% फायदा होता है ना। उसी तरह से सर अगर आप स्केल अप करने की बात कर रहे हो, अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आपका समय लगेगा, आपका पैसा लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा। बिना ट्रेनिंग के लगाना चाहेंगे या ट्रेनिंग लेकर लगाना चाहेंगे? ये ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत ज़रूरी है, कोई किसी भी बिजनेसमैन को ट्रेनिंग और बिजनेस का ट्रेनिंग लेना ही चाहिए। और मैं डेफिनेटली मैं भी ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने भी लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। सो दिक्कतें तो आती रहेंगी, कौन सा बिरला टाटा अंबानी को दिक्कतें नहीं आती? दिक्कतें सबको आती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी बिजनेस नहीं होता है 1-2 महीने में, तो टेंशन आ जाती है, तो थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, घर के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, घर में बीवी भी कुछ ना कुछ बोलती है, फिर तो फिर वो अलग टेंशन रहता है। तो समय दे पाते हैं अपने परिवार को? सच बताइएगा, बहुत एक्चुअली नहीं ऑनेस्टली कहिएगा, नहीं दे पाते हैं। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन जितना मैं मतलब मेरे परिवार वाले चाहते हैं, लेकिन लास्ट मतलब मैं ये मानता हूँ लास्ट 2 इयर्स में मैंने मेरे परिवार को बहुत टाइम दिया है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से मैं घर में था। और मेरी माँ का भी ऑपरेशन हुआ बाईपास का, तो सभी कोविड के सेम टाइम में ही हुआ। मुझे बताएं ये जो आप 1-2 साल में अपने परिवार को अपना समय दिया, अच्छा लगा आपको? थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा बैड लगा। अच्छा बैड भी लगा क्योंकि हर 2 घंटे हर वक्त में उनके साथ ही बंदा रहता हूँ। ठीक है, कोई भी मैरिड लाइफ फिर भी हो, अगर 1-1 2-2 महीना अगर बेबी के साथ रोज अगर हो गए वो बोर होते ही आएगा, बोर हो जाते हैं। मतलब वो तो बीवी का सुनना, बच्चों को पूरा करना। ये रिकॉर्डिंग हम अपने आपके बीवी को नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरा बट यू हैव सम पेरेंट्स और फैमिली। मेरे पेरेंट्स हैं ना। अच्छा अच्छा, मेरे पेरेंट्स है, तो ये दोनों मतलब मैं बोल रहा हूँ 50-50 है। ठीक है, कोई तो पास में है। बट यही काम है सर बड़ा बिजनेस का कि अब ना सर ये विन लूज वाला गेम नहीं करेंगे, ना 50-50 वाला गेम नहीं होगा सर, 100% वाला गेम होगा, विन विन वाला गेम होगा। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके नोट किए हैं। अभी जो आपका मंथली आपको टर्नओवर बढ़ाना है, ये 1.5 लाख रुपये से बढ़ाना है, सही कह रहा हूँ मैं? 3 लाख है, 4.5 पे हमको लेके जाना है। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जब मैंने आपको पूछा था कि क्या चीज़ रोक रही है, सबसे पहला आपका आंसर था सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मैंने नोट किया। करेक्ट। दूसरी बात आपने कही एज फैक्टर। करेक्ट। नाउ यू आर रनिंग 41 से 30-35 का जो एक जोश रहता है, तो थोड़ा सा 40 में थोड़ा सा मतलब वो गियर पड़ता है। करेक्ट। अगर मैं कहूँ, अगर यही चीज़ अगर आप 40 में नहीं बल्कि 30 में शुरू करते हैं, तो क्या आपको गलती करने के लिए समय मिलता ज़्यादा? है ना, गलती करके सीखने के लिए समय मिलता। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो क्या हमारे पास वो समय है कि हम गलती पे गलती करते रहें? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो हमने सामने वाले की गलती से सीखना है, या जो व्यक्ति सक्सेसफुल है उसके स्ट्रैटेजी से सीखना है। सही कह रहा हूँ मैं? ओके। दूसरी बात आपने मुझे ये बताई कि आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क में इतने बिजी हो जाते हो कि ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर ही करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपका नोट किया है। वो होता ही है, ऑपरेशन में बहुत बिजी हो जाता हूँ, तो थोड़ा मतलब एक्चुअली मेरा टीचिंग का काम जो है वो भी ज़्यादा है। टीचिंग के साथ साथ मेरा एक्चुअली कम से कम दिन में 5-6 आवर्स टीचिंग ही रहता है, और उसके साथ मेरा मैनेजमेंट का वर्क और बाकी का वर्क, जैसे एडवर्टाइजमेंट बना। क्या लगता है डेलीगेशन सीखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? ज़रूरी है, डेलीगेशन सीखना ज़रूरी है। और मुझे एक बात बताएं सर, आज अगर मैं आपको ये सवाल करूं कि विजय सर आपको 2 महीने की छुट्टी पे जाना है, 2 महीना छोड़ दो, 1 महीने की छुट्टी पे जाना है, बिल्कुल भी काम की तरफ नहीं देखना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो क्या आप आज वो डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मैं 30 दिन के लिए निकल जाऊंगा छुट्टी के लिए, मुझे कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा? सच कहिएगा, आज क्या आपके बिजनेस की वो पोजीशन है? अभी वो पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला ऐसे ऑटोमेटेड जो बिजनेस रहते हैं, अभी मेरी कोशिश वो चालू है क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस डेवलप करना शुरू किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एडवर्टाइज करता हूँ फ्रेंचाइज, और फ्रेंचाइजी भी खुद पे एडवर्टाइज में भी मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी दिखाई है लेकिन ब्रांच दिखाई है, मतलब फ्रेंचाइजी एज अ एग्रीमेंट करके दिखाया है, लेकिन वो पारिजात एकेडमी और विजय मतलब उसी के वो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये दे आर वर्किंग एज पर एज माई एम्प्लॉय। थोड़ा सा हमने क्या किया, एम्प्लॉय में हम सैलरी न देखा, हमने शेयरिंग में रखा है। समझ गया। ठीक है, आप 80% आप ले लो, 20% मेरे को। बहुत बढ़िया, सुपर, दैट्स अ गुड आइडिया। तो अभी वो पोजीशन नहीं है कि आप 30 दिन के लिए कहीं पे छुट्टी के लिए निकल जाओ, और बैक ऑफ द माइंड एक सिक्योरिटी रहे कि मेरे गैर हाजिरी में भी, मेरी गैर मौजूदगी में भी जैसा मैं रहता हूँ वैसा ही बिजनेस चलता है। आज की वो पोजीशन नहीं है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो समय आए? श्योर, डेफिनेटली। कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि कभी 1 महीना अगर जाना चाहूँ फॉरेन ट्रिप को, डेफिनेटली कहीं भी मतलब जाना चाहो तो आदमी को थोड़ा रिलैक्स रहना ही चाहिए। ऐसी टीम रहे जो आपके बिहाफ में, जिस विजन से आप काम कर रहे हो, जिस डिसिप्लिन से आप काम कर रहे हो, जिस ट्रेनिंग से आप काम कर रहे हो, उसी तरह से वो काम करें आपकी गैरहाजिरी में, तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली, सुपर। तो सर ये सारे पॉइंट्स मैंने आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को डीपली समझा है। ये सारा कुछ मैंने नोट किया है। अब सर आपने, आपके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। ज़रूर बताऊंगा सर, पर अभी मेरा फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर विजय कुलकर्णी है। मेरा केवल एक ही फोकस, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो मिशन है ना उसमें उनका सहयोग करता हूँ, यानी भारत के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं विवेक बिंद्रा सर के साथ मिलकर कि कैसे वो अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना पाए। ये है हमारा काम। अच्छा, ओके ओके। मुझे बताएं सर, विवेक बिंद्रा जी कौन है? विवेक बिंद्रा सर के बारे में नहीं सुना आपने? पहले फर्स्ट टाइम मैंने। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। मुझे बताया नहीं पहले कौन विवेक बिंद्रा है, क्या है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बताने का, उनके बारे में वर्णन करने का। सर ही इज़ इंडियाज़, फॉरगेट इंडियाज़, ही इज़ एशियाज़ नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच, जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में, कोविड काल में स्पेशली 8 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। 8 जी। 133 कंट्रीज के लोगों को सिखाया है कि बिजनेस कैसे करना है। डूबते हुए बिजनेसेस को, जिसको कोविड की बहुत ज़बरदस्त मार लगी और जो बैठ गए, बिजनेस खत्म हो गए, शटर डाउन हो गए, उनका शटर वापस खुलवाया। ग्रेट। उनके बिजनेस को लाइन पर लेके आए। मतलब एक्चुअली का उनका ये काम करने का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? ये उनका विजन है कि भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करें, और भारत आत्मनिर्भर केवल तब हो सकता है जब भारत का एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति खड़ा हो जाए अपने पैरों पर। आप खड़े होना चाहेंगे अपने पैरों पर? डेफिनेटली। तो सच बताएं मुझे सर, 1.5 लाख रुपए आपका मंथली आप टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ साल का, आपने बोला 20 लाख, 40 लाख पे थे, आपने बोला 15-20 लाख तो मेरा एनुअल टर्नओवर बढ़ना चाहिए, 20 लाख। अब अगर मैं आपको एक सवाल करूँ कि सर ये 90% इसका अचीव करने के लिए अगर आपको 10% इन्वेस्ट करना पड़े, तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अपने टारगेट का 90% अचीव करने के लिए, यानी 20 लाख आपने कहा कि मेरे को जंप लेना है, मैं आपको कहता हूं अगर आपको 18 लाख रुपए का जंप मिलता है और उसके लिए आप 10% यानी 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा, तो क्या आप करेंगे? मतलब एग्जैक्टली क्या है, मतलब उस पर डिपेंड है कि आप क्या मुझे आप बेच रहे हैं? मैं कुछ नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ आपकी सर यहाँ पे बिल्कुल बेचने नहीं वाले। सुना है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं वगैरह देते, एकदम गलत सुना है सर। मैं यहाँ पे सिर्फ जानना चाहता हूँ हैंड होल्डिंग ऐसे कोई 100% करेंगे सर, 100%। और मैं ये 1-2 साल की बात नहीं कर रहा विजय जी, जिंदगी भर के लिए, लाइफ लॉन्ग। जब तक आप है, जब तक आपका बिजनेस है, तब तक आपकी हैंड होल्डिंग चलेगी। चाहेंगे? डेफिनेटली सर। तो सर मैं ये आपकी मानसिकता समझना चाहता हूँ कि यदि जो आपका टारगेट है वो 90% अचीव करने के लिए या 100% अचीव करने के लिए उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना पड़े, तो क्या आप वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली। लेकिन आप वो अगर उसकी गारंटी देते हैं तो मैं करूँगा। गारंटी किसकी? 100% अचीवमेंट की? 90% अचीवमेंट की सर। 90 नहीं सर, गारंटी तो 10% कोई नहीं देता, और मैं ये लिख के देता हूँ कि कोई गारंटी नहीं देता। 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने क्या कहा था, मैं मानसिकता समझना चाहता हूँ, कहा था ना, अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम 2 लाख का। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस को स्केल करना है तो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डू यू हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट और अ ग्रोथ माइंडसेट? डेफिनेटली ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज 100% रिक्वायर्ड है ये। करेक्ट। डेफिनेटली। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, कोई डॉक्टर आपको लिख के देता है सर 100% गारंटी या पैसा वापस, नो डॉक्टर विल एवर गिव, ही इज अ कंसल्टेंट, ही विल गिव हिज बेस्ट। यू आपको जो पत्ते देगा ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, तभी रिजल्ट आएगा सर। वी विल गिव आवर बेस्ट, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो हो सकता है सर वो बात है। लेकिन क्या है कि आजकल मार्केट में नहीं इतने लोग आ रहे हैं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना मार्केट में से धोखा खाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं करके दूंगा, 10 लाख करके दूंगा, 20 लाख करके दूंगा, आप मुझे ये दो मेरे कंसल्टेंट। लेकिन बाद में ना एक बार पैसा ले गए ना, बाद में उनकी वो वर्ड नहीं करते, क्योंकि ये इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करते। और वो मैं सर, मेरे को ऐसे 5 लोगों का नाम बताइए। आज मैं क्या करता हूँ, फेसबुक को मैं पैसे डालता हूँ तो फेसबुक मुझे 20 लीड देती है। ओके, आज मैं फेसबुक को 2 लाख डालता हूँ तो फेसबुक मुझे हजारों लीड देंगी, उसमें से ऑटोमेटिकली तो मेरा बिजनेस आएगा ही। लेकिन आप मुझे 2 लाख मैंने आपको दिए, तो आप मुझे जैसे फेसबुक मुझे रिवर्ट में कुछ लीड्स दे रहा है। बताओ फेसबुक में कितना डालते हो, कितना लीड मिलता है? फेसबुक में मैंने अगर 10,000 डाला मंथली, ओके, तो मुझे लगभग 10,000 के एक 500 लीड्स मिलते हैं। 500 लीड मिलते हैं, ओके। 500 लीड्स मैंने एक महीने में, तो एक लीड कितने की पड़ी आपको? एक लीड कितने की पड़ी? ना, परफेक्ट। अगर यही 20 रुपए की लीड, 30 रुपए की लीड पड़ी, इसका कन्वर्जन परसेंटेज कितना है? ओके, कन्वर्जन परसेंटेज मैंने अभी 5% भी पकड़ा। 5%, ओके। अभी नॉर्मली होता है क्या बताऊँ मैं, एक्चुअली 5% मेरे यहाँ पे कन्वर्जन रेट एजुकेशन फील्ड में कभी कभी ज़्यादा भी होता है, क्योंकि क्या कभी होता है समर कैंप में, हम समर कैंप जैसे रहता है सर, हम ये तो सीजनल हो गया। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, एवरेज पकड़ के बोलते हैं, 5% पकड़ के ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि 5% भी किया। अभी मेरी फी एक स्टूडेंट की 9600 रुपीज, ठीक है, तो 25 into 9000 करो। सर नहीं नहीं, उसमें एक मिनट, इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेंगे। आपने बोला 5%, ठीक है, आपको 500 लीड आती है, करेक्ट, ठीक है, एक लीड की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? 20 रुपीज पर मंथ, करेक्ट। अब ये 500 लीड में से सर आप कह रहे हैं कि 5% आपका एवरेज कन्वर्जन है, मतलब 25, करेक्ट, और वे बाकी के पाइपलाइन में भी जाते हैं, कभी कभी वो उस पे आएंगे सर, महीने में, 3 महीने में, 1 साल में भी आएंगे सर, उस पे भी आएंगे। अभी इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, एवरेज फीस कितनी है सर? एवरेज फी मेरी 5000 है, 5000, मतलब कोई टीचर्स ट्रेनिंग की ज्यादा है, स्टूडेंट्स की मेरी 4000 है, ठीक है सर, एवरेज 5 to 6000 पर स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं सर। तो मोटा मोटा ना 1.25 लाख रुपया कितना बनता है महीने का? कितना बनता है महीने का? 1.25 लाख बनता है ना सर, महीने का 1.25 लाख बनता है, करेक्ट, हिसाब एकदम सामने ही है। मैंने मतलब मैंने इन्वेस्ट किया 10,000, आई एम अर्निंग 1 लाख, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, थोड़ा 25, बहुत जबरदस्त सर। अभी आपने गणित पकड़ ली, वैदिक मैथ्स के हैं भाई, हैं। अब मुझे ये बताइए सर, अगर आपको ये ट्रेनिंग मिलती है कि जहाँ पे आपको 10,000 जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे आप केवल 5,000 लगाए, 500 लीड्स लेके आए, लीड कॉस्ट हो गई हाफ, 50%, 10 रुपए की पड़ी, ₹10 पर लीड। आज 5% के कन्वर्जन पे बैठे हो, इसको अगर हमने 10% पे आपको लेके गए, सर लीड्स कितनी कन्वर्ट होती है आपकी? 10% के हिसाब से 50 इंटू 5000 है ना आपका 2,50,000 सर, एक महीने का, करेक्ट, डबल हो गया सीधा। लेकिन वो 5000 में कैसे करेंगे? 5000 में आप बोल रहे हैं, हम करेंगे ना आपकी मदद उसमें कि कैसे होगा, यही तो ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। अब देखिए 2 तरीका है, आप समझो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा। कॉस्ट रिड्यूस करेंगे तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करेंगे तो बढ़ेगा, दोनों तरीका है प्रॉफिट बढ़ाने का, दो ही है, बेचो ज्यादा या कॉस्ट कम करो। अगर आपको दोनों चीज बता दी कि कन्वर्जन कैसे बढ़ाना है आपका, कॉस्ट कैसे घटाना है, फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा ही होगा, फायदा होगा ना, डेफिनेटली, एग्जैक्टली यही बताते हैं सर। लेकिन और ये एक्चुअली ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है 100%। मैं इसलिए आपको पूछा कि आपने ये बहुत ही प्रामाणिक बात आपने कही है और मुझे अच्छा लगा जब आपने ये बोला कि आपने मार्केट में धोखा खाया है, क्योंकि अब आप जो भी डिसीजन लेंगे बड़े समझदारी से लेंगे, करेक्ट है ना, धोखा नहीं खाते तो ऐसा नहीं होता, भाव में आ जाते डिसीजन ले लेते, अभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, और हम ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहे हैं जो थोड़े समझदार हैं और समझदारी से डिसीजन ले पाए। अब जो लोगों से आपने धोखा खाया है, मैंने आपको बोला सर मेरे को 5 ऐसे लोग बताओ जिससे आपने धोखा खाया, बता सकते हैं? वैसे तो मैं डिक्लेयर नहीं कर, क्योंकि नॉर्मली मैं किसी का मतलब नाम लेके उसको बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ठीक है मैंने धोखा खाया तो मेरे मन में रखा अच्छा है, तो मेरे किसका मतलब उसका भला हो जाए आगे जाके, तो उसे तो नॉर्मली एक्चुअली आई डोंट लाइक टू टेक एनीबॉडीज नेम। बट कितने ऐसे लोगों से आपने यू नो आपका एक्सपीरियंस खराब रहा? नॉर्मली बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग अब तो सर मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछूं क्या, क्योंकि सर डिजिटल मार्केटिंग मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ना सर, वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनीज को कंसल्टिंग करते हैं, करेक्ट। ये तो मैंने आपको बहुत छोटी बात बताई उनके बारे में। मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद गूगल पे जाएं, मुझसे ज़्यादा भरोसा गूगल पे करें और गूगल पे जाके उनको पूछें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या है, क्या हस्ती है और क्या काम कर रहे हैं आज आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। करेक्ट, यू विल नॉट हैव टू फाइंड और आस्क एनीवन कि भाई गारंटी क्या है। आप सांगली से, किस शहर से आप? सांगली से। सांगली का नंबर 1 कार्डियक सर्जन कौन है? कार्डियक का वहाँ पे डॉक्टर मड़के है, मड़के, डॉक्टर मड़के, डॉक्टर मर्दी के पास अगर कोई पेशेंट जाता है, क्या वो लिखित देते हैं कि 100% सक्सेस होगा? वो तो नहीं होता, लेकिन उसका सक्सेस रेशो अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली, यही है हमारी बात। क्योंकि आप गूगल पे जाइए, सक्सेस रेशो, हाँ, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, है ना। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बात को प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर जाने की। वो भी लिख के नहीं देता, है ना। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को लिख के नहीं दिया था कि भाई मैं साथ में हूँ तो तू जीतेगा, जब तक तू नहीं करेगा तू नहीं जीतेगा, कहा था ना। उसी तरह से सर मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्गदर्शन पूरा देंगे, सही देंगे, सटीक देंगे, साधन देंगे, सक्षम बनाएंगे। आपने नहीं किया तो श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सही बात है। लेकिन आज जैसे कार्डियक सर्जन की आपने बात की ना, बिजनेस की जगत में आप गूगल से पूछेगा, मुझसे तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, गूगल से पूछेगा वो आपको बताएगा कि एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच कौन है। और जब वो बता देगा तो सक्सेस रेशियो वहीं पे आप जान भी जाएंगे उनका क्या है। करेक्ट। आज भारत का नंबर 1, एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, आपका हाथ थामने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली विवेक बिंद्रा सर से बात नहीं कर पाते। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को सब जानते हैं। सर आप आइए एक प्लेटफॉर्म पे, 6 तारीख को एक प्लेटफॉर्म पे खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे कंसल्टेंट्स को मिलने आ रहे हैं, बात करने को आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आप मिल पाएंगे उनसे? लेकिन उनसे बात कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। टॉप 100 लोगों से बात करेंगे सर वो। और सर वो 100 लोग जब अपने सवाल करेंगे ना, तो उसमें आपके काफ़ी सारे सवाल जो है ना, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। लोगों को मौका नहीं मिलता इतने बड़े व्यक्ति से एसोसिएट करने का। 2 दिन पहले किरण बेदी को जानते हैं आप, IPS ऑफिसर थी, उनका लेक्चर था हमारे ऐप पे। मैंने देखा, सुना था, मतलब मैं आपके ऐप के पास। उसके पहले मिस्टर बजाज, उनका था। आपको क्या लगता है सर, मिलेनियर का था, इतने बड़े व्यक्ति ऐसे किसी से एसोसिएट कर लेंगे? हो सकता है, आपको लगता है? आप और हमें अपने इमेज की इतनी चिंता होती है, अपने रेपुटेशन की चिंता होती है ना। तो सोचिए क्या उनको नहीं होगी? आज हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, आप सोचिए। अभी ये 6 तारीख को क्या है, मतलब क्या टॉपिक करेगा और हमको फ्री मिलेगा? मींस सर उसके लिए वो हमारे नहीं सर, कोई भी नहीं। वो केवल और केवल हमारे कंसल्टेंट्स के लिए है। वो केवल और केवल हमारे कंसल्टेंट्स के लिए हैं, जहाँ पे वो बताने वाले हैं कि सेल, प्रॉफिट, मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आपका सर, आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल सकता है? किसका? बिंद्रा सर का? बिल्कुल नहीं सर, उसका कोई मतलब सर प्रीमियम ट्रेनिंग है, रिकॉर्डिंग ऐसे कैसे दे दें? तो थोड़ा सा हमको भी आइडिया आ जाएगा सर। आइडिया लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, देख लो जरा, मजा आ जाएगा। 6 तारीख को जो लाइव है उसमें से कुछ हमको चांस देंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये प्रीमियम कंटेंट है सर हमारा, लोग पैसा देते हैं इसके लिए और आग बंद करके पैसा देते हैं। और वैसे हमारा यूट्यूब का भी जो कंटेंट है ये कोई कम प्रीमियम नहीं है। अगर आपको देखना है कि क्या चीज़ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्योंकि आपने कहा आप नहीं जानते उनको, तो मैं पहले आपको कहूँगा कि एक बार यूट्यूब चैनल हमारा देखिए। सेल्स से संबंधित, प्रॉफिट से संबंधित, कॉस्ट को रिड्यूस करने से संबंधित, स्ट्रैटेजी से संबंधित, ऑपरेशन से संबंधित सारी चीजें आई थिंक बड़े सारे वीडियो डाली है इसमें जी। तो फिर मींस आप मतलब आपका मतलब अगेन आपका मतलब ये करने में, आपके पे इन्वेस्ट करने में मतलब अगर बोलते हो तो आप कोई तो चार्ज लेते होंगे ना सर? अच्छा चार्ज लेते हैं सर, एकदम डंके की चोट पे। जो वीडियोस आपने डाले हैं तो उससे तो मेरा काम बहुत सा चलता ही है वैसे सर। चला के मैं तो कहता हूँ सर, पहले उससे काम चलाइए, उससे काम चलाइए, क्योंकि जो वीडियोस हम आपको प्रीमियम कंटेंट में देने वाले हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा आगे, कई गुना एडवांस स्ट्रैटेजीज है विद फ्रेमवर्क्स। अच्छा, विद हैंड होल्डिंग कोच, आपको एक सारथी मिलेगा, लाइव कोच मिलेगा, फ़ोन पे बात करेगा। लाइव कोच का क्या मतलब? वही है, फ़ोन पे कनेक्ट करेगा, फ़ोन पे कनेक्ट, लर्निंग सारथी कहते हैं इसको। ये आपसे कनेक्ट करके आपको पूछेगा आपकी क्या दिक्कत है बिजनेस में, कहाँ अटके हो? आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस में अटका हूँ सर, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ऑपरेशन में फंसा रह रहा हूँ, आपको दिशा बताएगा कैसे आगे बढ़ना है। ये हैंड होल्डिंग जिंदगी भर की रहेगी। लेना चाहेंगे? सोचता हूँ, उसमें थोड़ा मुझे विचार करना पड़ेगा सर। अभी तो सर, मतलब आप बेझिझक विचार कीजिए। मुझे घर में पूछना पड़ेगा थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप विचार करें, क्योंकि वट एवर डिसीजन यू टेक। मतलब क्या प्रोडक्ट क्या है आपका? सर प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है? बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। पहली चीज का मतलब क्या, मतलब वो क्या स्कीम है? क्या स्कीम नहीं है सर, ये शब्द ही गलत है। मतलब आपको बताओ, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे सर इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही वर्जित है। ये स्कीम, लेकिन मैंने MLM का कुछ तो सर आप मुझसे शेयर कीजिए। उन्होंने ये समझाया है, उन्होंने MLM का ये समझाया है कि आज MLM में एक्टिव रेशियो कितना होता है। अच्छा, आप समझ रहे हो लोगों ने कितना नुकसान कर दिया अपना MLM में लगा के। बहरहाल 30 मिनट जो है सर, मैं चाहता हूं कि उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो, है ना, और हर एक मिनट आपके फ़ायदे की बात करें। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ये 1.5 लाख के नुकसान पे बैठे हैं। आपके बेस्ट पोटेंशियल को अगर आप रीच नहीं कर पा रहे हैं, आई टेक इट दैट एज अ लॉस। ठीक है, कि आज नहीं हो रहा है जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं। करेक्ट। महीना 1.5 लाख, मतलब एक दिन का कितना हुआ सर लॉस? महीना अगर आप 1.5 लाख के लॉस के ऊपर बैठे हो तो एक दिन का कितना हुआ सर? 5000 सर। वैदिक मैथ्स बोल रहे हो और इसमें गड़बड़ कर रहे हो। आपने इतना सारा पूछ लिया है, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है। कोई बात नहीं सर, दिन का 5000 का नुकसान हो रहा है। तो सर आप समय लीजिए, ये देखिए कि कितना नुकसान और झेल सकते हैं और कितना जल्दी आपको डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ 50,000 का और नुकसान होने दो तो 10 दिन के बाद डिसीजन लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सही दिशा है, सही व्यक्ति है, सही सोच है, तो मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस पर विचार करता हूँ अभी जरूर सर। थोड़ा अभी तो क्या है कि थोड़ा अभी मे भी थोड़ा हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। ये आप सर बिजनेस लॉस में चल रहा है ना, इसीलिए सही डिसीजन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये कंसल्टेशन अब समाप्ति की ओर चल रहा है। तो आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आप जीते थे 2 फ्री कंसल्टेशन, है ना। ये हुई आज आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन जहाँ पे मैंने डिग डीप करके आपके सारे प्रॉब्लम्स को समझ लिया। और बहुत खुशी हुई कि आपने खुले दिल से सारी बात ईमानदारी से, सच्चाई से सामने रख दी। अब सर मुझे समय चाहिए 2 दिन का। 2 दिन के बाद मैं फिर से आपके समय पे, जब भी आपको समय है तब हम कनेक्ट करेंगे और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा कि इन प्रॉब्लम्स के आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। आज शुक्रवार है, रविवार को समय होगा आपके पास? और थोड़ा इस 15-20 एक्चुअली मैं 10-12 दिन थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो थोड़ा 15-20 तो दिन तो थोड़ा मैं बिजी रहूँगा। After 15 days we can talk. No problem sir. 5000 एक दिन का, उसका सर आपका 20 दिन का 3 लाख, ये कितना फ्री है। चिंता मत करो, जब तक आपके बिजनेस में मैं खुद ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम खुद आपको बोलेंगे सर नॉट द राइट कैंडिडेट, सॉरी। अच्छा, मतलब आप अभी टर्नओवर बढ़ाने के लिए आप मुझे क्या सर? सब कुछ अगले कंसल्टेशन में है। अच्छा, तो अभी इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे का समय आपको निकालना बहुत जरूरी है और 15-20 दिन लेना उसके लिए ये सही सिग्नल नहीं है, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अच्छा, ये जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताए अभी, आपने ये जो भी बताया ना 15-20 दिन लगेंगे, वो इसीलिए क्योंकि आपको बिजनेस से बिजनेस की ओर जाना जरूरी है। क्या है कि मेरा 10 दिन का मेरा विपश्यना एक मेरा बुकिंग है। कब से शुरू है? मैं विपश्यना अभी 6 तारीख से 17 तारीख तक जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो मैं विपश्यना होने के बाद मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा टाइम, मेरा सभी अभी दिमाग सर, मैंने खुद ने विपश्यना की है और मैं आपको ये सुझाव दूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। वैसे विपश्यना को जाने से पहले हम लोग अपनी अगली मीटिंग करते हैं, उसका कारण समझाता हूँ। मैंने ये खुद किया है। वो 10 दिन जो है ना सर, आप अपने अंतरात्मा के साथ बिताते हो, आप मौन रहते हो। सही कह रहा हूँ मैं? करेक्ट। अब जब आप इस थॉट को जो हम अपनी अगली मीटिंग में आपको बताने वाले हैं इसको समझेंगे, ठीक है, तो जब ये 10 दिन आप बिताएंगे विपश्यना में तब बहुत गहराई से उसके बारे में सोच पाएंगे। करेक्ट है ना। तो 6 मार्च आज हमारा तारीख है 25 मार्च में। अभी क्या है कि 3 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे। वाओ, सुपर। उस दिन मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। 2 मार्च को मेरे बहन मतलब मेरा भतीजा है उसका एंगेजमेंट है, तो उसके लिए 1 और 2 मार्च में वहाँ पे थोड़ा। अच्छा। 1, 2, 3 तो मैं पूरा बिजी। तो बाकी क्या रहेगा 4। 4 मार्च और 5 मार्च। 4 और 5 मार्च का थोड़ा सा मतलब अभी कुछ फिक्स नहीं है। सर फिक्स कर लो 4। क्योंकि सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब आपने किया ना, क्योंकि अभी ये 2-3, 4 दिन में जो भी आप मतलब अभी ये डिस्कशन हुई ना, तो अभी अगले डिस्कशन में क्या होगा, क्योंकि अगर मुझे टाइम ही नहीं मिला 3-4 दिन में सोचने के लिए। तो सर आपको सोचना ही नहीं है, वो तो काम हमारा है। सर मैं आपको फ्री करना चाहता हूँ सोचने से, आप अटक के रह रहे हो इसमें, इसीलिए तो ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे नहीं जा पा रहे हो। आप फिर से ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। Correct. हमको इसी से तो बाहर निकलना है। तो सर सोचने का काम आप डेलीगेट कर दो। तो सोच हम लेंगे सर, ठीक है। लेकिन मेरा 5 को मॉर्निंग या 4 को शायद कोशिश करेंगे सर। कोशिश नहीं सर, देखिए ये एकदम फिक्स होता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं तो हम बाकी अपॉइंटमेंट्स लेंगे, ठीक है। सो लेट मी बी वेरी सीरियस ऑन दिस नोट सर। ये जो फ्री कंसल्टिंग आपको मिली है ना, इसकी वैलिडिटी 7 दिन की है। अच्छा। आज अपनी हो गई फर्स्ट कंसल्टिंग, नाउ 7 days फ्रॉम दिस यू कैन क्लेम योर सेकेंड फ्री कंसल्टिंग। वेरी सिंपल सर। तो मैं आपके पास मेरा नंबर है, सेव किया है आपने? नहीं, मेरा आपका नंबर नहीं है। नहीं है? नहीं है, नहीं है। ले लो सर, अभी निकालो फोन जल्दी से। और आप सेव कर लो मेरा नंबर। मोबाइल बैटरी मेरी खत्म हो गई। कोई बात नहीं सर, चलो हम कर लेते हैं सर आपका नंबर सेव, इसी में लिख लेते हैं। बताइए आपका नंबर क्या है? हेलो 8055579965। क्या बात है। प्रीटी इजी टू रिमेंबर। हाँ वैसे मेरे को गणित और नंबर से मैं दूर भागता हूँ, लेकिन नंबर बहुत अच्छा है आपका। 5 और 6 नंबर मोबाइल नंबर पे होने चाहिए। होने चाहिए। 6 नंबर गिव्स वेल्थ। ओह रियली? 6 नंबर इज अ साइन ऑफ लॉर्ड लक्ष्मी। माय गुडनेस। आपका बर्थडे क्या है सर? सर मेरा 18 तारीख है, 18 जनवरी। सो 9 इज वेरी गुड। तभी तो सर मैं विश्वास करता हूँ बड़ा न्यूमरोलॉजी पे। आप तो सेनापति हो। सेनापति है भाई, विवेक सर के सेनापति हैं आप। सेनापति हो क्योंकि 1 और 8, 9 आता है। 9 आता है तो वो सेनापति का नंबर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो मैं आपको पिंग कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। आज की मीटिंग के डिटेल्स भी, ठीक है, और 7 दिन के अंदर आप मुझे आज ही बताइए कि नेक्स्ट 7 days में हम कब मिल सकते हैं। चलिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी सक्सेस बिल्कुल डिले नहीं करना चाहता। भले एंगेजमेंट की तैयारी में आप थोड़े पीछे रह जाओ, क्योंकि हम सर हमें बहुत आगे जाना है। प्रॉब्लम क्या हुआ था सर? मतलब थोड़ा सा परिवार वालों को टाइम भी देना चाहिए। 100% सर। तो अभी क्या होता है ना, तो मैं बिजनेस करूंगा ना, तो परिवार वाले भी बोलेंगे देखो ये क्या हमारे। बिल्कुल नहीं होने देंगे सर। तो एक ही बहन है। बिल्कुल नहीं होने देंगे। बोलेंगे मतलब वो तो मेरी सगी बहन है, तो एब्सोल्युटली। तो क्या होता है कि वो इन्वॉल्वमेंट, बहन है तो इन्वॉल्वमेंट होती है। एकदम सही कहा सर, और होनी भी चाहिए। एंगेजमेंट है तो पहले 2 दिन से मुझे बुला के रखती है, ये करना है वो करना है। होनी भी चाहिए सर। शॉपिंग है, ये है वो है सर। हम क्या डिनाई नहीं कर सकते ना। आप मुझे एक बात बताइए विजय जी, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवार को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यही तो करना है। तो अभी क्योंकि क्या है, अभी अगर आपने समझ लिया ये बात, आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए तो अभी मैं पिछले 2 साल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी बीवी के साथ बिताने की ट्राई की। तो सर अभी ना ये आधे घंटा जो हम आगे बात करेंगे ना, इसमें आपको क्लियर कट फ्रेमवर्क मिलेगा। सबसे पहले मेरा पहला प्रायोरिटी है टाइम मैनेजमेंट आपकी। एक्जैक्टली, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट पे मुझे काम करना है ना, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम आ रही है। तो सर उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर नेक्स्ट 7 days के अंदर हमारी अगली मीटिंग होगी। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा इस नंबर पे सारी मीटिंग के डिटेल्स, और मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा एज पर माय अवेलेबिलिटी एज वेल कि ये 7 दिन में मैं कब अवेलेबल हूँ। आपका बेस्ट टाइम जो है आप सिलेक्ट करके मुझे रिवर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, चलेगा, मैं करूंगा। नाइस टॉकिंग you, sir. It was a great conversation. Thank you so much. Thanks. Your consultation is also good. Thanks. Thank you, sir. Thank you.